दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे मेरे गांव के बाहर नदी और नदी के आसपास के नज़ारे। दोस्तों वीडियो को देखने के साथ साथ एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना है, बेल आइकन दबाना है और ऑल करना है। दोस्तों मेरा गांव झारखंड की उपराजधानी दुमका में है। ये नज़ारे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जगह सारा का सारा बरसातों के समय पानी भर जाती है। सामने एक नदी है जिस नदी का नाम मुराक्षी नदी है। दोस्तों नदी के नीचे एक डैम है जो करीब करीब झारखंड और बंगाल के बॉर्डर में है। उस डैम का नाम मसांजोर डैम है। दोस्तों मसांजोर डैम बंगाल सरकार की है और फिलहाल झारखंड बंगाल में विवाद चल रहा है, और डैम का पानी बंगाल के लोगों के लिए सिंचाई के लिए काम आता है। दोस्तों यहाँ जो डैम का पानी जमा होता है, ये जगह सारा मेरे गांव के लोगों की है और इस जमीन के बदले बंगाल में सभी को जमीन मिला हुआ है। पर दोस्तों बंगाल में जमीन मिलने से उस जमीन का क्या, हम सब तो यहाँ रहते हैं। हम आए हैं आज अपने गांव से काफ़ी दूर नदी के किनारे, और यहां जंगल भी है नदी भी है। आपको दिखा रहे हैं यहां के नज़ारे, यहां के दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये नदी है इस तरफ और हमारा गांव काफ़ी दूर है। इस तरफ हमारा गांव है, करीब 1.5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, और इधर से होकर हम नदी के तरफ आए हैं। नदी थोड़ा दूर है, बरसातों में ये जगह डूब जाता है बिल्कुल। छोटे छोटे घास खूस झाड़ियाँ। दोस्तों आगे नदी की तरफ जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, आगे जाने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। ये सामने से होकर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ये जगह खतरे से खाली नहीं है, सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है। दोस्तों हम जा रहे हैं नदी की तरफ और सामने नदी है। यहाँ आसपास कोई लोग भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोस्तों वीडियो को देखते रहें, अभी आपको नदी के नज़ारे दिखाएंगे। दोस्तों बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के, देख रहे हैं। ये नदी है, मेरे गांव से काफ़ी दूर है ये नदी। ये नदी बरसात में भर जाता है और जिस रास्ते से होकर हम आ रहे हैं अभी, उधर भी पानी भर जाता है, पूरा डूब जाता है। और ये पानी बंगाल और झारखंड के बॉर्डर में एक डैम है, वहाँ पर पानी जमा होता है। चलिए चलते हैं, देख रहे हैं इधर नदी के किनारे से होकर जंगलों के बीच से होकर हम इधर आ गए हैं बाहर। और हम बाहर आ गए हैं और सामने करीब 1.5 से 2 किलोमीटर के दूरी में हमारा गांव है। और बरसातों में जब अगस्त सितंबर में जब बारिश होती है, नदी भरता है, तो ये जगह बिल्कुल डूब जाता है, बिल्कुल भरा रहता है पानी से और आगे तक पानी चला जाता है। आशा करते हैं ये छोटे से दृश्य को देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।